रीवा जिले में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों के मकान तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मामा ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में यदि कोई बेटियों पर गंदी नजर रखेगा तो उसका हाल बद से बदतर कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते दिन किशोरी अपने दोस्त के साथ मंदिर माता के दर्शन करने गई थी। दर्शन करने के बाद वह मंदिर के समीप बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी 6 की संख्या में आए बदमाशों ने उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। किशोरी को डरा धमका कर आरोपी उसे जंगल की ओर ले गए, मारपीट करते हुए बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी की खराब हालत को देखकर तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।